क्लास सेकंड, दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर थर्ड, वर्ड पैड। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ड पैड के बारे में कि वर्ड पैड क्या होता है। वर्ड पैड इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच यूज फॉर राइटिंग पोयम, स्टोरीज, लेटर एक्सेट्रा। अब वर्ड पैड क्या होता है? वो एक सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जिस पर हम कुछ भी राइट कर सकते हैं, पोयम, स्टोरीज, लेटर। आपने देखा होगा जो कंप्यूटर पे जो हम टाइप करते हैं कुछ भी स्टोरी, पोयम, लेटर वगैरह, वो जिस पे टाइप करते हैं ना, उसको बोलते हैं वर्ड पैड। ठीक है। व्हाइल राइटिंग इट इन इट वी कैन यूज मैनी ऑप्शंस फॉर मेकिंग आर टेक्स्ट अट्रैक्टिव, प्रेजेंटेबल एंड एरर फ्री। और जब हम लिखते हैं वर्ड पैड पे, तो हमारी हम बहुत सारे ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं अपनी जो स्टोरी या कुछ भी जो भी हम लिख रहे हैं उसको अट्रैक्टिव और प्रेजेंटेबल, मतलब कि अच्छा दिखाने के लिए। ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद वर्ड पैड। अब हम वर्ड पैड से स्टार्ट करते हैं। टू स्टार्ट वर्ड पैड, अब स्टार्ट वर्ड पैड स्टार्ट करने के लिए क्या करना होता है वो पढ़ते हैं। क्लिक द स्टार्ट बटन। सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक ऑल प्रोग्राम्स इन स्टार्ट मेन्यू। अब स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट बटन पर हमने क्लिक किया। ठीक है। अब जो भी सारे मेन्यू आ गए उनमें से हमने ऑल प्रोग्राम पर क्लिक किया। मूव योर पॉइंटर ऑन एक्सेसरीज। अब हमें अपने पॉइंटर को कहाँ लेके जाना है? एक्सेसरीज, एक ऑप्शन आएगा उसमें एक्सेसरीज, उस पर लेके जाना है। उसके बाद क्लिक वर्ड पैड ऑप्शन ऑन इट। अब उसके नीचे जो वर्ड पैड का ऑप्शन है उस पर हमें क्लिक करना है। ठीक है। द फॉलोइंग वर्ड पैड विंडो अपेयर ऑन द डेस्कटॉप। जो हमारी स्क्रीन है उस पर जो वर्ड पैड है वो हमें दिख जाएगा कुछ इस तरह। ठीक है। लुक एट द वेरियस पार्ट ऑफ दिस विंडो इट हैज। अब देखो इसका अलग अलग पार्ट कौन कौन से हैं। देखो ये हमारी विंडो हमें खुल गई। ठीक है। वर्ड पैड खुल गया। अब देखो ये जो है वर्ड पैड टैब है यहाँ, ये जो है ये टैब्स, ये हमारा जो एरो होता है वो क्या होगा, हमारा माउस होगा, मतलब माउस का जो एरो होता है वो कर्सर हो गया हमारा। यहाँ पे हमें दिया गिवन है रिबन, गिवन है यहाँ पे, ये जो है हमारा वर्क रूलर एरिया, वर्क एरिया रूलर, मतलब हम इस पर कुछ भी स्टोरी, पोयम, लेटर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। और ये हमारा क्या हो गया, कंट्रोल बटन्स। अब वर्ड पैड टैब क्या होता है? इट गिव्स ऑप्शन टू ओपन, क्लोज, सेव और प्रिंट द टेक्स्ट फाइल। अब ये हमें क्या परमिशन देता है किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए, सेव करने के लिए और प्रिंट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा टैब्स एंड रिबन। देयर आर टू टैब्स इन इट। यहाँ पर दो टैब्स होते हैं, होम एंड व्यू, विच हैव डिफरेंट सेट कमांड्स, जिनकी अलग अलग कमांड्स होती हैं। और जिसको अरेंज कौन करता है? रिबन। जो जिसको अरेंज किसमें किया जाता है? रिबन में। ठीक है। नेक्स्ट है रूलर। इट शोज द विड्थ ऑफ अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है उसके जो टेक्स्ट, मतलब कि जो लिखने की जो चौड़ाई है वो ये दिखाता है। वर्क एरिया, दिस इज द प्लेस वेयर वी एंटर और टाइप द टेक्स्ट। वर्क एरिया वो होता है जहाँ पर हम कुछ भी लिखते हैं वो एरिया, उसको क्या बोलते हैं? वर्क एरिया, जिसके मैंने आपको दिखाया ये जो एरिया होगा वो क्या होगा? वर्क एरिया। ठीक है। नेक्स्ट है कर्सर। इट शो द टाइपिंग पोजीशन इन द डॉक्यूमेंट। और ये डॉक्यूमेंट में जो हम टाइपिंग करते हैं उसकी पोजीशन शो करता है। नेक्स्ट है एडिंग टेक्स्ट इन वर्ड पैड डॉक्यूमेंट। अब वर्ड पैड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट कैसे ऐड किया जाता है वो। द ब्लिंकिंग कर्सर इन योर वर्ड पैड वर्क एरिया शो दैट इज रेडी फॉर टाइपिंग। जो हमारा वर्क पैड एरिया, वर्क एरिया जो होता है उस पर जब कर्सर ब्लिंकिंग करता है, मतलब हिलता जुलता है, तब ये शो होता है कि हम टाइपिंग करने के लिए, मतलब वहाँ पर टाइप अप कर सकते हैं। सो लेट एंटर द फॉलोइंग टेक्स्ट। अब कुछ टेक्स्ट हम एंटर करते हैं, जैसे दिवाली ग्रीटिंग के लिए हमें किसी को दिवाली की विशेज भेजनी है तो हम कैसे भेजेंगे? डियर फ्रेंड्स, ऑन द ग्रेट ओकेजन ऑफ दिवाली आई विश यू and all the members of your family a happy and previous Diwali Karan। ठीक है। ये टेक्स्ट हमने टाइप कर दिया। let us now learn to make our document more presentable and stylish। अब हम इसको more
अच्छे से प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं वो हम देखते हैं कि इसको स्टाइलिश कैसे बना सकते हैं। चेंजिंग टेक्सटाइल, अब हमें टेक्सटाइल चेंज करने के लिए क्या करना होता है, टू चेंज द स्टाइल ऑफ राइटिंग। अब हमें राइटिंग का स्टाइल चेंज करने के लिए वी कैन यूज फॉन्ट ऑप्शन इन द होम टैब। अभी जो हमारा होम टैब है इस पर से हम क्या करेंगे, फॉन्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे। सेलेक्ट द टेक्स्ट बाय ड्रैगिंग द पॉइंटर, पॉइंटर को जो हमारा माउस है उसको ड्रैग करते हुए उसको नीचे लाते हुए जो भी हमें जिस भी टेक्स्ट में हमें चाहिए, जो भी हमें फॉन्ट स्टाइल चाहिए मतलब राइटिंग स्टाइल जो भी चाहिए उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक द फॉन्ट ड्रॉप बटन एंड बटन चूज द न्यू राइटिंग, और हम क्या करेंगे उस पर क्लिक करके जो भी हमें राइटिंग चाहिए उस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा अलाइन द टेक्स्ट। अब टेक्स्ट को कैसे, द टेक्स्ट इज एंटर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द डॉक्यूमेंट। अब उनको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, लेफ्ट से राइट कैसे कर सकते हैं ये सब करेंगे। यू कैन ब्रिंग इट टू द सेंटर टू द राइट साइड। अभी इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको सेंटर में भी कर सकते हैं और राइट साइड में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बी अलाइंड। अब हम क्या करेंगे, अपने टेक्स्ट को अलाइन के लिए सिलेक्ट करेंगे ताकि हम उसको मूव कर सकें राइट साइड या लेफ्ट साइड जो भी हमें चाहिए। चूज द ऑप्शन एज नीडेड फ्रॉम द फॉलोइंग बटन्स। अब हमें ऑप्शन अपना चूज करना है, हमें लेफ्ट साइड चाहिए तो लेफ्ट में हम लेफ्ट क्लिक करेंगे, फिर सेंटर में चाहिए सेंटर, राइट में चाहिए तो राइट, फिर उसके बाद हम करेंगे जस्टिफाई, उसके बाद जो हमारा टेक्स्ट वो उसकी जो जगह है वो चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा एडिंग स्पेशल इफेक्ट्स। अब स्पेशल इफेक्ट्स कैसे ऐड कर सकते हैं, देयर आर थ्री स्पेशल इफेक्ट यूजिंग फॉर हाईलाइटिंग द टेक्स्ट। अब हम अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए तीन स्पेशल इफेक्ट्स हैं जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। बोल्ड टू ऐड वेट टू द टेक्स्ट। अब जो हमने टेक्स्ट लिखा है उसको बड़ा करने के लिए मतलब मोटा मोटा थोड़ा दिखाने के लिए ये बोल्ड का यूज कर सकते हैं। इटैलिक, स्लैंटिंग इफेक्ट, जो कर्सिव राइटिंग होती है ना ऐसे ये वाली जो राइटिंग होती है वो, ठीक है ऐसे यूज करने के लिए। देन है अंडरलाइन, टू ड्रॉ अंडरलाइन। अब अंडरलाइन किसी भी हमने कोई भी टेक्स्ट लिखा उसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं उसको स्पेशल दिखाने के लिए। ये तीन वेज हैं आपके अपनी टेक्स्ट को अच्छा दिखाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है चेंजिंग द टेक्स्ट साइज एंड कलर, और इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे चेंजिंग। अब उसका टेक्स्ट साइज और कलर चेंज करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे।